छतरपुर के बंद पड़े कांग्रेस कार्यालय में कुछ असामाजिक तत्वों ने ताले में चप्पल टांग दी, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया और FIR दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस के राजीव भवन में लगे ताले में कोई व्यक्ति चप्पल टांगकर भाग गया। जब कुछ लोगों को इसकी जानकारी लगी तो हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐसी हरकत करने वालों पर FIR दर्ज करने की मांग की है। वहीं इस हरकत पर BJP के नेता ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यालय में हमेशा ही ताला लटका रहता है, सिर्फ नेताओं की जयंती या किसी बैठक के लिए ही कार्यालय का ताला खुलता है। कांग्रेस का संगठन नेताओं के घर से संचालित होता है, हो सकता है किसी कांग्रेस कार्यकर्ता ने ही ऐसी हरकत की हो। अभी हमने देखा कि हमारे जो कार्यालय का गेट है उस पर किसी विक्षिप्त प्राणी ने यहाँ पर चप्पल बांधी थी ताले के ऊपर दरवाजे पर, और ये बहुत ही ऊँची घटिया हरकत है जिसने भी ये कृत्य किया है, और हम इस पर गौर करेंगे और इसकी पुलिस कंप्लेंट करेंगे। वो तो खोजा जाए जिसने भी घटिया हरकत की है, उसका चेहरा हम भी नकाब करेंगे। वो पुलिस का काम है, हम अपनी प्राथमिकी दर्ज कराएंगे और देखेंगे कि किसने ये घटिया हरकत की है। मुझे आप सभी मीडिया के मित्रों के माध्यम से ही जानकारी लगी कुछ ऐसा कांग्रेस कार्यालय में हुआ है। निश्चित रूप से ये ऐसा घटनाक्रम नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा भी जानकारी ली है पत्रकार मित्रों के, एक चप्पल का जोड़ा वो अंदर भी था और एक बाहर लटका था, तो हो सकता है किसी कांग्रेस कार्यकर्ता, क्योंकि ना तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जिले में प्रदेश में कोई पूछ परख है और ना ही उनके नेताओं को फुर्सत है कि कांग्रेस कार्यालय में जाएं या कार्यकर्ताओं से मिले जुले, क्योंकि व्यक्तिगत कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलती है, तो हो सकता है किसी कांग्रेस कार्यकर्ता की नाराजगी ही होगी। निश्चित रूप से जिसने भी ये कृत्य किया है वो निंदनीय है, पर कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसी दुर्दशा प्रदेश में उनकी हो क्यों रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।